मैं हूं मलिक फरीदी और आप देख रहे हैं खबरें एक्सप्रेस न्यूज। प्रधानमंत्री मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का आज 30 अप्रैल को पूरे 100 एपिसोड होने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल देखा गया और कई इलाकों में छोटे और बड़े स्क्रीन लगाकर लाइव प्रसारण देखने की व्यवस्था भी की गई। इसी तरह मुंबा देवी विधानसभा के दो टागी इलाके में एक बड़ी LED स्क्रीन का आयोजन किया गया और इसमें माननीय नगर सेवक अतुल शाह की उपस्थिति देखी गई। को यही संदेश देना चाहते हैं कि बहकाव में मत आओ, मोदी जी की काम की तरफ देखो और विशेष करके मेरे मुस्लिम भाई माइनॉरिटी के भी गलत फहमियाँ दूर हो रही है कि सचमुच में ये मोदी जी ने काम किया, डिलीवर किया। यही आनंद है, आज इतनी मेरी बहनें आई हैं, मैं उनका सबका आभार व्यक्त करता हूँ। पूरे देश में 100वें मन की बात का एपिसोड रहा। मोदी जी की मन की बात से बीजेपी कार्यकर्ताओं के अलावा क्या आम जनता को भी इसका लाभ पहुंचेगा? इस पर अतुल शाह जी ने क्या कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जबानी। सर, आज मोदी जी को 9 साल हो गए और इन 9 साल में आज इन्होंने 100वीं मन की बात रखी लोगों के सामने अपने, तो ये 100वीं मन की बात जो है इससे ये मोदी जी जनता को क्या समझाना चाहते हैं और क्या बताना चाहते हैं? सचमुच में सारी जनता आज खुश है कि मोदी जी को हर महीने के आखिर के रविवार को तो घर में बैठ के रेडियो पर देखते ही हैं, मगर एक व्यक्ति, एक प्रधानमंत्री, अब बताइए कंसिस्टेंसी के 9 साल, आज 100 कार्यक्रम पूरे किए, 100वां था, ऐसा कोई कंसिस्टेंट लीडर पूरी दुनिया में दिखा दो, कोई नहीं है। और रोज पूरे देश में जो जो खासियत है वो चीज़ों का लोगों को, आज तो बहुत हम खुश हुए के मणिपुर मेघालय में उन्होंने जो सब्जी और फूल बनाने वाले को, महिलाओं को, उनको एक्सपोर्ट का बाजार मिल गया है, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा। और आज एक और चीज़ जो सभी मुस्लिम भाइयों के लिए बड़े गर्व की बात है, मुस्लिम बहनों के लिए तो है ही, हमारे डॉक्टर काजी जो अंजुमन इस्लाम के प्रिंसिपल है, मोदी जी ने तो एक नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उन्होंने उसके साथ एक नारा जोड़ा है बेटी बसाओ। मतलब एक हिंदू प्रधानमंत्री मगर एक मुस्लिम प्रोफेसर, उन्होंने कहा बेटी बसाओ, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में आया है, मैंने सुबह सुबह उनको फ़ोन किया, मैं भी खुश हो गया। तो उन्होंने कहा ये एक संदेशा मैंने मोदी जी को भी दिया है और मोदी जी ने भी बहुत आनंद व्यक्त किया। एक ज़माना आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी ने कोई फ़र्क नहीं किया, लाल बहादुर शास्त्री जब बोले जय जवान जय किसान, अटल जी ने जोड़ा जय विज्ञान। देश में ये होना चाहिए। आज क्या हो रहा है कि देश के ओपोजिशन को लगता है बस विरोध करना है विरोध, ऐसा नहीं होता है। जब अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ होनी चाहिए। आज सबको मालूम है अपने गांव में संडास, टॉयलेट, जल घर घर में, ये सारी चीज़ें और गैस का चूल्हा, जनधन के अकाउंट, ये कैसे लोग भूलेंगे। और आज भी 80 करोड़ लोगों को अनाज जाता है और पैसा जो जाता है देश का मोदी जी के हाथों से सीधे उसके बैंक के खाते में जाता है, पहले वो पैसे में से कटकी निकलती थी और राजीव गांधी कह रहे थे। आज इतना फुल प्रूफ काम किया है मोदी जी के हाथ में, ये देश बहुत सुरक्षित है और हम दुनिया का सबसे बेहतरीन देश होने वाले हैं, ये आपको बता दूं। आज मोदी जी के विरोधी हमेशा इसका विरोध करते रहते हैं और ये सवाल उठाते रहते हैं कि मोदी जी पत्रकारों के सवालों का जवाब क्यों नहीं देते, और ये भी कहा जाता है कि अगर जनता को अगर अपनी मन की बात मोदी जी से कहनी हो तो वो कैसे कहें। पहले जो होता था प्रधानमंत्री थे, प्रेस के थ्रू जो होता है प्रेस रिलीज करते थे और जनता की बात प्रधानमंत्री तक रखते थे और प्रधानमंत्री की जो बात थी वो जनता तक रखते थे, लेकिन आज जो प्रधानमंत्री है हमारे मोदी जी वो प्रेस के सामने नहीं आ रहे, अपनी डायरेक्ट मन की बात करते नहीं, नहीं वो देखो सबका अपना अपना पहले की वो जो रूढ़ी परंपरा है, प्रेस को क्यों सामने जाए जब उनका काम ही जा रहा है सामने, ये तो जिसको करना पड़ता है जिसका काम नहीं हो, क्या बात, प्रेस आनी चाहिए उनके पीछे, ये आग्रह नहीं है मगर, और उनको बात करना है जनता से, जनता से करोड़ों लोगों के पास रेडियो है टीवी है उससे बात करते हैं, ये कोई जरूरी है, बस यही। अगर जनता को अगर अपनी मन की बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाना तो वो किस तरीके से पहुंचती है ना, हम लोग जैसे सेवक हैं यहाँ पर, मैं इस गली में सेवक हूँ, ये सब लोग लेटर लेने आते हैं, काम कराने आते हैं, मैं गटर साफ करता हूँ, रोड साफ करता हूँ, पानी की लाइन देता हूँ, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रतिनिधि, और जहाँ लोक प्रतिनिधि नहीं है भाई साहब वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी इतनी कैडर बेस्ड पार्टी है,
हमारे सब यूनिट में वर्कर है, चाहे वार्ड में हो चाहे बूथ में हो। अभी हमारे यहाँ के सारे बूथ है ना, उसमें 11-11 लोगों की कमेटी है, वो बूथ प्रमुख भी लोगों की सेवा करता है। कोई शिकायत हम नहीं करते, ऐसा नहीं है।